बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम। मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बखैर वाफियत से होंगे। तो आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये है फ्रूट कस्टर्ड ट्रफल की रेसिपी। और ये वो रेसिपी है जो बहुत जल्दी बन जाती है, आप किसी भी वक्त से बना सकते हैं। यहाँ मैंने एक लीटर दूध लिया है और दूध को मैंने बॉयल कर लिया है। अब मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी और चीनी जो है वो एज़ पर योर टेस्ट होनी चाहिए। अब इसके अंदर मैं 6 बड़े खाने के चम्मच दूध मिला कस्टर्ड पाउडर जो है वो ऐड करने जा रही हूँ। मैं यहाँ पे बनाना फ्लेवर का कस्टर्ड जो है वो यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी चॉइस के मुताबिक कस्टर्ड ले सकते हैं। अब हमने तब तक इसे पकाना है धीमी आंच पर जब तक कि जो है वो कस्टर्ड बिल्कुल पक नहीं जाता और दूध की कंसिस्टेंसी जो है वो थिक नहीं हो जाती, क्योंकि कस्टर्ड में थोड़ा सा थिकपन आए, थोड़ा सा गाढ़ापन आए तो वो बहुत अच्छा लगता है। ये रेसिपी बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और ये रेसिपी बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद है। कस्टर्ड पक चुका था, मैंने साइड पर उसे ठंडा कर लिया था। अब मैं एक बाउल लेती हूँ और बाउल के अंदर मैं जो है वो लेयर्स लगाऊंगी। कुछ ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं और उसके बाद मेरे पास कुछ फ्रूट्स हैं, मैं उनकी जो है वो यहाँ पर जो है वो ऐड करना शुरू कर दूँगी उसे इस बाउल में। आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसे जिस भी तरह से सजाना चाहें आप सजा सकती हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ फ्रूट का इस्तेमाल किया है जो मेरे पास अवेलेबल थे। आप इसमें अपनी चॉइस के मुताबिक फ्रूट ऐड भी कर सकते हैं और एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी बनकर तैयार होती है, बच्चों की फेवरेट डिश होती है, एज़ वेल एज़ बड़े भी बहुत पसंदीदगी का इजहार करते हैं इसे खाते हुए। तो अब मैं जो है इसके अंदर लेयर्स लगा रही हूँ फ्रूट की, ड्राई फ्रूट्स की, और अब मैं इसके अंदर जो है वो कस्टर्ड उंडेल चुकी हूँ। अब मैं थोड़ा सा इसे मिक्स कर लूँगी अच्छे से और फिर मैं इसके अंदर जो है वो इसका फाइनल लुक दूंगी इसको। ये बहुत मज़े की बनके तैयार होती है और बहुत जल्दी बन जाती है, बिल्कुल भी इसे टाइम नहीं लगता बनने में। आप जब मर्ज़ी चाहें इसे बना सकते हैं। अब मैं थोड़ी सी इसमें गार्निशिंग करूंगी और फिर मैं इसे जो है वो फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दूँगी। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को मेरी तमाम वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। मैं इंस्टेंट रेसिपीज़ लेकर आ रही हूँ आपके लिए, और वो रेसिपीज़ लेकर आ रही हूँ जो ट्रेडिशनल भी हैं और इजी भी हैं, इजी टू कुक भी हैं, और ऐसी रेसिपीज़ ला रही हूँ कि जो फर्स्ट टाइम भी मेरी वीडियो को वॉच करें तो वो भी इस काबिल होंगे कि वो मेरी रेसिपी फॉलो करके खाना बना सकें। तो चलिए फिर अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी में। हमारा यहाँ पे फूड कस्टर्ड ट्रफल जो है वो बनकर तैयार है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो के बारे में अपने रिव्यूज़। मिलती हूँ आपसे एक अगली और नई और आसान रेसिपी में। अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।